जंगल में गर्मियों का मौसम शुरू हो चुका था और सभी पक्षियों के बच्चे खुशी खुशी स्कूल जा रहे थे क्योंकि आज गर्मियों की छुट्टी होनी थी। कुकू और गुड़िया टूनी के बच्चे थे। मम्मा मम्मा, हमें गर्मियों की छुट्टी हो चुकी है। मम्मा, आपने कहा था ना गर्मियों की छुट्टी में नानों के घर जाएंगे। मम्मा, आप जल्दी बताएं, हमें नानों के घर कब लेकर जाएंगी? अरे अरे बच्चों, सांस तो ले लो, अभी अभी तो स्कूल से आए हो और स्कूल से आते ही तुम लोगों को नानों के घर जाने की फिक्र पड़ गई। मम्मा, आप तो जानती हैं हमें नानों का घर कितना पसंद है। हम तो कब से गर्मियों की छुट्टी का इंतजार कर रहे थे। आज गर्मियों की छुट्टियां हो गई हैं, अब हमें नानों के घर जाना है। अरे ठीक है चले जाएंगे तुम्हारे नानों के घर, लेकिन उससे पहले तुम लोगों को गर्मी की छुट्टी का होमवर्क करना होगा। जितनी जल्दी तुम लोग होमवर्क खत्म करोगे उतनी ही जल्दी हम तुम्हारे नानों के घर जाएंगे। नहीं मम्मा, ये आप क्या कह रही हैं? हम तो कब से गर्मियों की छुट्टी का इंतजार कर रहे थे और अब आप कह रही हैं पहले होमवर्क खत्म करें। होमवर्क तो इतना ज्यादा मिला है, वो खत्म करने में तो हमें महीना लग जाएगा। काल ही करे सो आज करे सो अब। जितनी जल्दी तुम लोग होमवर्क खत्म करोगे उतनी ही जल्दी हम तुम्हारे नानों के घर जाएंगे। बस अब मुझसे कोई बहस नहीं करेगा। यह कहकर टूनी चिड़िया चली जाती है। कुकू गुड़िया से कहने लगा, गुड़िया, मम्मा ने तो सख्ती से कह दिया है कि पहले हमें होमवर्क करना होगा। अब तो हम होमवर्क खत्म करेंगे तभी मम्मा हमें नानों के घर ले जाएगी। हाँ हाँ कुकू, तुम ठीक कह रहे हो, मम्मा ने कह दिया है तो वो हमें होमवर्क किए बगैर नहीं जाने देगी। हम लोग ऐसा करते हैं, आज से ही हम लोग अपना होमवर्क शुरू कर लेते हैं। बच्चों को तो हर हाल में जल्द से जल्द नानों के घर जाना था, इसीलिए कुकू और पिंकी उसी दिन से होमवर्क करने के लिए बैठ जाते हैं। कुकू और पिंकी तो सुबह शाम बैठकर होमवर्क लिखे जा रहे थे। रानो उनको देखकर कहती है, अरे बच्चों, तुम लोगों ने तो अपनी नींद ही हराम कर ली है। लगता है तुम दोनों नानों के घर जाने के लिए कुछ ज्यादा ही बेताब हो। हाँ हाँ मम्मी, हम लोगों को जल्दी से नानों के घर जाना है। आप देखना, हम 10 दिन के अंदर अंदर ये सारा काम खत्म कर लेंगे। रानो की ये तरकीब काम आ गई थी। बच्चे दिल लगाकर पढ़ने लगे थे और साथ ही स्कूल का होमवर्क भी कर रहे थे। कुकू और पिंकी 10 दिन के अंदर अपना सारा होमवर्क खत्म कर लेते हैं। होमवर्क खत्म हो गया तो वह खुशी खुशी अपने माँ के पास गए। मम्मा मम्मा, हम लोगों ने अपना सारा होमवर्क खत्म कर लिया है, अब हमें आज ही नानों के घर जाना है। अब हम इससे ज्यादा इंतजार नहीं कर सकते। अरे वाह बच्चों, तुम लोगों ने तो बहुत जल्दी होमवर्क खत्म कर लिया। अब मेरी तरफ से भी तुम लोगों के लिए एक सरप्राइज है। सरप्राइज? कैसा सरप्राइज मम्मा? तुम लोगों को लेने के लिए तुम्हारे उल्लू मामा आ रहे हैं। मैंने अपना और तुम्हारा सारा सामान पैक कर दिया है और हम लोग आज ही नाना के घर जाएंगे। क्या सच में मम्मा, उल्लू मामा आ रहे हैं हमें लेने के लिए? ये बहुत मजा आएगा। बच्चे मामा के आने की खबर सुनकर दरवाजे पर खड़े हो जाते हैं। बच्चे तो इतने खुश थे जैसे अभी उड़ने लगेंगे। इतने में उल्लू मामू अपने गाड़ी में बैठकर उन्हें लेने के लिए आ जाते हैं। उल्लू मामा आप आ गए, हम कब से आपका इंतजार कर रहे थे। अरे मेरे बच्चों, मैं भी तुम लोगों से मिलने के लिए बहुत बेताब हो रहा था। अब मैं अपने बच्चों को ज्यादा इंतजार नहीं करवाऊंगा, आपकी मम्मा ने पहले ही आपको बहुत इंतजार करवाया है। हाँ उल्लू मामू, सच में मम्मा ने बोला कि पहले अपना होमवर्क खत्म करो फिर ही नानों के घर जाएंगे। चलो बच्चों, यही खड़े होकर बातें करते रहोगे या मेरे साथ भी चलोगे? अरे अरे उल्लू भैया, बैठकर पानी तो पी लीजिए, बच्चे तो बस नानों के घर जाने के लिए घोड़े पर सवार हैं। अरे नहीं नहीं रानो, क्यों बच्चों को और इंतजार करवाना है, चलो हम लोग अभी निकलते हैं। फिर उल्लू उन सबको अपनी गाड़ी में बिठाता है और अपने साथ अपने घर जाने के लिए रवाना होते हैं। वहाँ उनके नानो, मामी और गुड्डू वहाँ उनका इंतजार कर रहे थे। जैसे ही बच्चे घर में दाखिल हुए, नानो उनसे कहने लगी, अरे मेरे बच्चे आ गए, मेरी जान के टोटे आ गए। नानो, तुम लोगों को कब से याद कर रही थी, कितने फोन किए तुम्हारी माँ को, छुट्टियाँ हुए 10 दिन हो गए, अभी तक तुम आए क्यों नहीं, भाई दिल खुश हो गया बच्चों को देखकर। बच्चे वहाँ सबसे मिलने जुलने के बाद गुड्डू के साथ खेलने लगते हैं। गुड्डू उल्लू मामा का बेटा था और मीनू चिड़िया गुड्डू की माँ थी।
गुड्डू भी कुकू और गुड़िया से मिलकर बहुत खुश था। बच्चे उस दिन बहुत खुश थे। खेल कूद कर बच्चे सो जाते हैं और बाकी सब लोग रात देर तक बातें करते रहते हैं। फिर देर रात को सब सो जाते हैं। सुबह सब उठकर नाश्ता करते हैं। तीनों बच्चे नाश्ता करने के बाद बाहर बगीचे में खेलने चले जाते हैं। खेलते खेलते बच्चों की लड़ाइयाँ होने लगती है। कुकू और गुड़िया ने मिलकर गुड्डू को बहुत मारा। गुड्डू रोता हुआ अपनी मम्मा के पास चला गया। मम्मा, गुड़िया और कुकू ने मिलकर मुझे बहुत मारा। मम्मा, उन्होंने बहुत सख्त मारा है मुझे। रानो पास खड़ी ये सब सुन रही थी। वह सुनते ही कहने लगी, अरे मेरा बच्चा गुड्डू, कुकू और गुड़िया को घर तो आने दो, इन लोगों की मैं टांगे तोड़ दूंगी। रानो की बात सुनकर मीनू कहने लगी, अरे नहीं नहीं रानो दीदी, बच्चों को कुछ भी करने की जरूरत नहीं, बच्चों का तो यही काम होता है ना। आप ज्यादा परेशान मत हो, ये गुड्डू भी ना खामा खामे रोना शुरू कर देता है। आप परेशान ना हो, बच्चे तो फिर से लड़ भिड़ कर वैसे ही हो जाएंगे। आप खामाखा बच्चों की लड़ाई में मत बोलें। वहाँ गुड़िया और कुकू बहुत डर गए थे। वह सोच रहे थे कि घर के अंदर जाते ही उन्हें मार पड़ेगी, इसीलिए वह घर के अंदर जाने के बजाय सामने एक पेड़ के पीछे छुप जाते हैं। जब काफी देर गुजर गई तो रानू ने सोचा कि बच्चे अभी तक घर नहीं आए। मीनू, मैं जरा बच्चों को देख कर आती हूँ, पता नहीं ये दोनों कहाँ रह गए। गुड्डू को तो घर आए हुए बहुत देर हो गई है, पर वो दोनों अभी तक नहीं आए, पता नहीं कहाँ रह गए, मैं देख कर आती हूँ। फिर रानो उन दोनों को ढूंढने निकलती है। रानो ने पूरे बगीचे में देख लिया, पर बच्चे कहीं नजर नहीं आ रहे थे। रानो तो अब बहुत परेशान हो जाती है। वह फौरन से जाकर उल्लू को कहती है, उल्लू भैया मैंने पूरा बगीचा ढूंढ लिया है, बच्चे कहीं नजर नहीं आ रहे। गुड्डू के साथ ही तो खेलने निकले थे, पता नहीं कहाँ चले गए वे दोनों। पहले तो मुझे लगा कि वो बागीचे में ही खेल रहे होंगे, मगर बागीचे में वो लोग नहीं हैं। अरे रानो, ऐसा कैसे हो सकता है? अच्छा तुम परेशान मत हो, मैं देख कर आता हूँ, यही कहीं होंगे वे दोनों। उल्लू बच्चों को ढूंढने के लिए निकल जाता है। उल्लू भी जब बाहर ढूंढ कर आया तो उसे बच्चे नजर नहीं आए। घर में तो परेशानी सी फैल गई थी। हर कोई परेशान हो रहा था कि आखिर बच्चे कहाँ चले गए। उल्लू आकर रानू से कहता है, रानू दीदी, बच्चे तो मुझे भी कहीं नजर नहीं आए, पता नहीं कहाँ चले गए, अब तो अंधेरा भी हो रहा है। मैं ऐसा करता हूँ, गांव में ऐलान करवा देता हूँ। इतने में गुड़िया और कुकू की नानू आ जाती है। अरे कोई ऐलान करवाने की जरूरत नहीं है, वह सामने बरगद का पेड़ है ना, उसके पीछे जाकर देखो एक बार, बच्चे वहीं छुपे हैं। मैंने खिड़की से उसे छुपते हुए देख लिया था, मैंने भी बचपन में ऐसे बहुत काम किए हैं, बच्चे बचने के लिए ऐसे ही छुपते हैं। ये बात सुनकर सब हंसने लगते हैं। और जब रानू ने बरगद के पेड़ के पीछे जाकर देखा तो बच्चे वही छुपे थे। रानू बच्चों को घर ले आती है। गुड़िया और कुकू की इस हरकत पर सब बहुत हंस रहे थे। गुड्डू भी उन दोनों का मजाक उड़ाने लगा। गुड़िया और कुकू डर गए। प्यारे बच्चों, आप में से नानो के घर जाने का किस किस को शौक है? अगर आपके पास नानो के घर का कोई किस्सा है तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।